सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको तीन यूनिक एप्लीकेशन दिखाने वाला हूँ जो शायद आपने कभी नहीं देखे होंगे। सो फ्रेंड्स, नंबर वन पर जो एप्लीकेशन है वो है ऐप क्लोनर। सो ऐप क्लोनर ऐप एक इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन है उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। उनको आइकन वगैरह चेंज करना है, उनमें कुछ छोटे मोटे फीचर्स को चेंज करना है, वो इस एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे सेटिंग्स आपको मिल जाएंगे, जो जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन आप मॉडिफाई करना चाहें सिंपल उस ऐप को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन का आप यहाँ पर नेम चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आइकन का जो साइज़ है या फिर जो आइकन में मॉडिफिकेशन करने हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं, आइकन लॉन्चर जो सेटिंग्स है वहाँ से। इसके बाद यहाँ पे मोडिंग के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं बहुत सारे इसमें से, वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं डिस्प्ले के लिए, प्राइवेसी के लिए, स्टोरेज के लिए और नेटवर्किंग के लिए। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें एप्लीकेशन को मॉडिफाई करने के लिए। तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को लगभग मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो कि ये एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करता है, सो उसके लिए और भी इसमें ऑप्शन हैं सो जो कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल ऐप है अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र है जो कि एंड्रॉयड फ़ोन पे काफ़ी सारे मोड्स और मॉडिफिकेशन वगैरह जो एप्लीकेशन है उनको चेंजेस वगैरह करते रहते हैं। सो इस एप्लीकेशन को आप जरूर से ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है जो कि यूनिक एप्लीकेशन जो शायद ही बहुत ही कम यूज़र को पता होता है वो है कोड बोर्ड कीबोर्ड। सो ये जो कीबोर्ड एप्लीकेशन है ये एक अलग ही कीबोर्ड ऐप है जो कि बेसिकली जो कोडिंग या फिर जो प्रोग्रामिंग यूज़र होते हैं जो कि अपने फ़ोन पे ही कोडिंग और प्रोग्रामिंग करते हैं उनके लिए बनाया गया है। बट आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी यूनिक और फीचर्ड जो कीबोर्ड एप्लीकेशन है। सो सबसे पहले चलिए इसको मैं यहाँ पे सेटअप करता हूँ। तो चलिए चेंज कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे कोई भी जो कीबोर्ड है आप इसको यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में आपको एक ट्यूटोरियल का ऑप्शन मिलेगा। सो कुछ इस तरह का ये ऑप्शन आएगा, यहाँ से इनेबल बटन पर क्लिक करके इस कीबोर्ड एप्लीकेशन को इनेबल करना है। और इसको इनेबल करने के बाद यहाँ पे चूज़ कीबोर्ड करना है। सो चूज़ कीबोर्ड करते हैं कीबोर्ड कोड वर्ड इंग्लिश, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। और नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल जो इसके शॉर्टकट्स हैं वो कुछ इस तरह के आ जाएंगे। और इसमें कुछ जो नए की है वो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर एडेड है। तो काफ़ी सारे जो नए बटन्स हैं नए की हैं वो आपको इसमें मिलेंगे। तो चलिए इसको डन करते हैं और जो कीबोर्ड है वो सिलेक्ट हो चुका है एंड यहाँ पे आप देखेंगे सो कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस आपको मिल जाता है। और कुछ फीचर्स और जो नए की होते हैं जो कि कंप्यूटर में होते हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे, तो वो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन पे। एंड इसके बाद यहाँ पे देखेंगे सो सबसे नंबर वन पे एक ऑप्शन है रिप्लेस एरो की विद कट कॉपी पेस्ट। सो यहाँ पे देख सकते हैं एक कुछ नए ऑप्शन इसमें आपको मिल जाते हैं, इनको आप चेंज कर सकते हैं, इन एरोस से इसको रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट जो भी शॉर्टकट्स होते हैं उससे। एंड ये और भी ऑप्शंस हैं इसमें। इसके बाद यहाँ पे कीबोर्ड साइज आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कलर वगैरह आप अगर आपको चेंज करना है सो वो इसमें चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें और भी जो एक कीबोर्ड का एक लेआउट होता है इसको इस कीबोर्ड के लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये पुराने जो कीबोर्ड होते थे पास्ट जनरेशन के सो उनमें जो एक लेआउट आता था, लेकिन अभी जो भी नए कीबोर्ड आ रहे हैं जो भी कीबोर्ड आप यूज़ करते हैं वो क्यूआरटी कीबोर्ड होते हैं। सो इसमें ये ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। सो ये काफ़ी फीचर्ड एप्लीकेशन और कीबोर्ड एप्लीकेशन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे कीज़ आपको इसमें नए मिलेंगे। इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है स्केचवेयर। सो स्केचवेयर आप जैसे देख सकते हैं कुछ इस तरह का पेज आपके फ़ोन पे आएगा एंड इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे ही एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। और इसमें अगर आपको नहीं पता एंड्रॉयड एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर आप ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ट्यूटोरियल इस तरह से लोड हो जाते हैं, आप यहाँ से पीडीएफ फाइल हो गया, वीडियो हो गया, कुछ भी देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ट्यूटोरियल को देख के आप यहाँ पे सीख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्लस का बटन है, इस पर ऐड करके यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन साथ आप इसमें कर सकते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप इसमें बना सकते हैं और इसको आप गूगल प्ले स्टोर पर भी पब्लिश कर सकते हैं। सो ये काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन है, इसको आप यूज़ करते हैं तो इसको आपको थोड़ा सा सीखना होता है एंड सीखने के बाद आप इसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन आसानी से बना पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ यूनिक एप्लीकेशन जिनको कि आप यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉयड फ़ोन पे ही काफ़ी सारे मोडिंग और चेंजेस करने के लिए एंड्रॉयड फ़ोन पे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना एंड कॉमेंट बताना अगर आपको वीडियो कैसा लगा।
और भी मैंने काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डाले हुए हैं, सो वो जरूर से चेक करना। सो आज की वीडियो बताई, थैंक्स फॉर वॉचिंग।